वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रजत समसरिया। सो आज डे 7 है। सो आज जो वर्कआउट हम करने वाले हैं वो शोल्डर और बाइसेप्स का वर्कआउट है। सो मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो आज हम करने जा रहे हैं वो शोल्डर बाइसेप्स का वर्कआउट है। सो इसमें आपको सिर्फ 4 एक्सरसाइज शोल्डर की करनी है, देन 4 एक्सरसाइज बाइसेप्स की करनी है। तो मैं आपको कुछ बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ शोल्डर और बाइसेप्स की, आपको किस तरीके से लगाना है। बस आपको ट्राई करना है कि जब भी आप सेट लगाएं उसके बाद आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लें, जिससे आपकी रिकवरी प्रॉपर हो जाए। सो दैट्स इट गाइस, मैं आपको पहला सेट बताता हूँ। गाइस जो पहली एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है वो मिलिट्री प्रेस होने वाली है। तो इसके आपको 3 सेट लगाने हैं, 8 से 10 रिपीटेशन के। वेट अपने अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। सो आज वैसे भी बाई शोल्डर और बाइसेप्स का है, सो आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 3 सेट लगाएं आप 8 से 10 रिपीटेशन के। दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, तो जो सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है वो अर्नोल्ड प्रेस है। तो आपको किस तरीके से लगाना है, आपको आपके जो एल्बोज होंगे उसको फिक्स रखना है स्ट्रेट, ये इस तरीके से, पूरा टच नहीं करना है आपको इस तरीके से। तो मैं आपको लगा के बताता हूँ पहला सेट किस तरीके से आपको लगाना। इस तरीके से आपको लगाना है, इसके भी 3 सेट लगाइए आप 10 से 12 रिपीटेशन के। तो तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है वो लेटरल होने वाली है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। सो आपको ट्राई करना है कि आपको वाई बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से। सो ट्राई कीजिए कि जितना आप स्लो लेके आएंगे उतना कंट्रोल रेप्स होंगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो आपके मसल पे उतना ज़्यादा टेंशन पड़ेगा जितना स्लो लेके आएंगे आप, ऊपर फास्ट नीचे स्लो। तो मैं आपको करके बताता हूँ। इसके भी आपको 4 सेट लगाने हैं, 8 से 10 रिपीटेशन लगाने हैं। ट्राई कीजिए कि लास्ट सेट आप ड्रॉप सेट लगा सकते हैं, जैसे आपका पॉसिबल हो आप वेट अपने अकॉर्डिंग डिक्रीज कर सकते हैं। दैट्स इट। जो फोर्थ एक्सरसाइज जो होने वाली है हमारा वो 2 एक्सरसाइज का सुपर सेट है। आपको रिवर्स फ्लाई लेना है आपको पैक डेक मशीन पे, और फ्रंट रोप से लेना है। तो मैं आपको करके बताता हूँ दोनों को किस तरीके से आपको लगाना है। आपको थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट होना है, बैक स्ट्रेट, शोल्डर को रिलैक्स, स्लो।
तो हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं लगा रहा हूँ बाइसेप्स। तो बाइसेप्स में सबसे पहले एक्सरसाइज जो होने वाली है हमारी जिगजैग बार कर्ल होने वाली है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके ब्रैकेट मसल और ब्रैकलेजिस मसल दोनों को टारगेट करती है आपके। तो इसके आप 3 सेट लगाइए 8 से 10 रिपीटेशन के। तो मैं आपको पहला सेट करके बताता हूँ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है बाइसेप्स में वो आने केबल होने वाली है। तो इसको आप रोप से ट्राई करना है, जिससे आपकी जो ये मसल होता है, जिससे आपका मसल का साइज ज़्यादा दिखता है, इस तरीके से बैकिंग मसल वो ज़्यादा उस पर टारगेट होगा। सो इसके आपको 3 सेट लगाने हैं 8 से 10 रिपीटेशन के। तो पहला सेट मैं आपको लगा के बताता हूँ वो किस तरीके से लगाना है। आपको आपकी एल्बोज को यहाँ फिक्स करना है इस तरीके से स्लो। ट्राई कीजिए कि आप जब भी ऊपर लेके आए तो नीचे कंट्रोल रेप्स होने चाहिए स्लो। जो तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है वो सीटेड डंबल कर्ल होने वाली है। तो आपको इसके 3 सेट लगाने हैं, 10 से 12 रिपीटेशन होने चाहिए इसके। तो मैं आपको पहला सेट करके बताता हूँ किस तरीके से लगाना है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है ये होने वाली कॉन्सेंट्रेशन कर्ल होने वाली है। चाहे तो आप ये ले सकते हैं या तो पीचर कर ले सकते हैं, आपके पास दोनों ही अल्टरनेटिव ऑप्शन है। सो मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट वीक उस एक्सरसाइज को ज़्यादा टारगेट किया था। तो मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। तो मैं आपको लगा के बताता हूँ इसके आप 3 सेट लगाने हैं 8 से 10 रिपीटेशन के। फिर सेट तो मैं आपको पहला सेट करके बताता हूँ आपको किस तरीके से लगाना है। आपकी आपको एल्बोज को यहाँ फिक्स रखना है, हल्का सा कर्व देना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।